नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताए गए ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आपको अपने सपने में उनमें से कोई भी एक चीज़ दिखाई देती है तो इसका ऐसा संकेत माना जाता है कि आप जल्दी धनवान बनने वाले हो, यानी कि आपके पास जल्दी यानी कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा आने वाला है और आपकी पूरी गरीबी पूरी तरह से नष्ट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन सी है वह तीन चीज़ें, तो यह सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहली जो चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि हरियाली। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में तथा वेदों में ऐसा बताया गया है कि अगर आपके सपने में आपको हरियाली दिखती है, यानी कि अगर आपके सपने में आपको पेड़ पौधे नदी झरना प्राणी पक्षी ऐसा आपको पूरा निसर्ग का चित्र पूरा हरियाली से भरा दिखता है, तो इसका ऐसा संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में कोई भी संकट बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपके घर के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें। जो दूसरी चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि भगवान का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर आपको अपने सपने में किसी भी भगवान का मंदिर दिखता है, तो इसका ऐसा संकेत माना जाता है कि उस भगवान का आशीर्वाद आपके घर पे हमेशा रहेगा और आपके जीवन में कोई भी विपत्ति बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप इस संकेत को यानी कि आप इस बात को ध्यान में रखें। जो तीसरी चीज है वह कौन सी है दोस्तों, कि सफेद सांप। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर आपको अपने सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देता है, तो इसका ऐसा संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा आने वाला है, यानी कि आप कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने वाले हो। तो दोस्तों, इसलिए आप इस संकेत को यानी कि इस बात को अपने पूरे जीवन में ध्यान में रखें।